हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फोरजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप एक कंप्यूटर यूजर्स होंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर किसी को सेल करना चाहता हूँ, उससे पहले जो भी मेरी डेटा है इस कंप्यूटर के अंदर, मैं उसको पूरे पूरे क्लीन कर दे, इरेज कर दे, मिटा दे, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट मारेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विंडोज़ 10 में रिस्टोर फैक्ट्री करके दिखाते हैं। अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर है और आप उसको बेचना चाहते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या कोई सिस्टम हो, तो उसको सबसे पहले आपको जितना भी स्टोरेज है उसके अंदर क्लीन करके देना होता है, ताकि आपका कोई भी डेटा उसमें छूटे ना। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल इस विंडोज़ वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है पावर का ऑप्शन आ रहा है, पावर पर क्लिक कर लेना है। और पावर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपल जो है रीस्टार्ट के बटन पे आना है। और रीस्टार्ट के बटन पे आने के बाद आपको शिफ्ट दबा करके इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं शिफ्ट दबा करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का एक नया इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो उसमें आपके सामने ये तीन ऑप्शंस होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ट्रू ब्लूटूथ पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम ट्रू ब्लूटूथ पे जो है क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेट दिस पीसी, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास जो है दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है कीप माय फाइल्स, ठीक है। एक तो ये है कि दोस्तों, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जितना भी ऐप्स है आपके विंडोज़ के अंदर और सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो पर्सनल फाइल्स होगा वो डिलीट नहीं होगा। दूसरा है रिमूव एवरीथिंग, तो आप इसमें जो है आपका जितना भी चीज़ होगा सब का सब इरेज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी को देंगे तो जनरली है कि आप पूरे का पूरे क्लीन करके देंगे, तो इसीलिए हम रिमूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आपके सामने फिर से एक नया ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो ऑप्शंस है, ऊपर वाला ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका विंडोज़ में जो इंस्टॉल है ड्राइव, वही सिर्फ आपका जो है क्लीन होगा। लेकिन हम ऑल ड्राइव्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको पूरा इरेज करना है। तो ऑल ड्राइव्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आता है, एक आता है जस्ट रिमूव माई फाइल्स और दूसरा आता है फुल्ली क्लीन द ड्राइव। तो आपको फुल्ली क्लीन करना है तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको रिसेट का ऑप्शन आ रहा है और कैंसिल का भी। अगर आप रिसेट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका सिस्टम रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको एक इम्पोर्टेंट लाइन बताते हैं कि अगर आप रिसेट कर रहे हैं तो अगर आपका कंप्यूटर है तो उसको जो है पावर सप्लाई लंबे समय के लिए ज़रूरी है, अगर आप रिसेट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है और इसको रिसेट कर रहे हैं तो उसको जो है आपको चार्जर से कनेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लेता है, ताकि आपका कोई भी ख़राबी ना हो। अगर बीच में कट कुट हो जाता है तो आपका सिस्टम करप्टेड हो सकता है, तो इसीलिए आपको उसको चार्ज देना होगा लैपटॉप को हमेशा, ठीक है, जब तक कि आपका ये सेटिंग जो है फिनिश ना हो जाए। अब दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमको नहीं करना है, तो हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दूसरे तरीका से बताते हैं कि कैसे आपको विंडोज़ को जो है रिसेट करना है, ठीक है। तो फिर अभी मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब आइए दोस्तों, हम आपको दूसरा तरीका से बताते हैं रिसेट करने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइंड ऑल सेटिंग पे टाइप करना है रिसेट दिस पीसी। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है।
वो क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से दो ऑप्शंस आएगा, एक कीप माय फाइल्स का आएगा और एक आएगा रिमूव एवरीथिंग का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल रिमूव एवरीथिंग करना है, तो आपको रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए इस तरीके से जो है कुछ आएगा और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शन तो मैंने तो आपको बता चुका हूँ पीछे में, ठीक है। तो आप उसको देख करके जो है यहाँ से नेक्स्ट करके आप फिनिश कर सकते हैं सेटअप को, ठीक है। तो फिलहाल मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहता है, तो कैंसिल पे क्लिक करके मैं बाहर आ जाऊंगा और